Once again welcome class 9th. You know last video में हमने जो हमारा chapter number 6 था My Childhood by Dr. APJ Abdul Kalam, the former President of India, उसको complete reading कर लिया था हमने. अब आगे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड, आइए सबसे पहले उनको देख लेते हैं. जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है वो है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणा सीतारामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड रामा द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर द आवर हाउस. तो पैसेज आपके चैप्टर से लिया गया है, उस ड्यूरेशन का है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं कि शादी के और सेरेमनी के दौरान वो जो टेंपल से मूर्ति का लाना और साइट मैरिज साइट पर ले जाने का उनका परिवार कार्य करता था, कहाँ से लाते थे, किस तरह लाते थे, ये सब बताया गया. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एनुअल इवेंट हेल्ड इन रामेश्वरम. जो एनुअल इवेंट था वो क्या था रामेश्वरम में होने वाला. द एनुअल इवेंट हेल्ड इन रामेश्वरम वॉज श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी. श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी. एंड सेकंड, वेयर डिड द बोट्स कैरी द आइडल्स ऑफ द लॉर्ड. वेयर डिड द बोट्स कैरी द आइडल्स ऑफ द लॉर्ड. जो लॉर्ड आइडल्स ऑफ लॉर्ड है यानी कि भगवान की जो मूर्तियां थी उनको कहां से लाया जाता था. द बोट्स कैरीड द आइडल्स ऑफ द लॉर्ड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड. तालाब के बीच में स्थित था मंदिर टेम्पल ये. ऑन द साइट ऑफ द मैरिज, कहाँ पर ले जाया जाता था, साइट ऑफ द मैरिज, जहाँ पर शादी का सेरेमनी का जो प्रोग्राम और फंक्शन हो रहा है वहाँ पर ले जाया. व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का नाम था रामा तीर्था. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स इमेज ऑफ गॉड. इमेज ऑफ गॉड के लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, आइडल्स. ठीक है बेटे, आइडल्स वर्ड को यूज किया गया है. सेकेंड, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स. ये सेम वही पैसेज है, थोड़ा बढ़ा दिया गया इसको. इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, पैसेज दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप इसी में क्वेश्चन को बढ़ा देंगे. हाउ डिड द स्पीकर्स फैमिली हेल्प इन श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी. पर पैसेज वही है, क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया आगे की और क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप क्वेश्चन इसी तरह इनको आगे बढ़ा देंगे नंबरिंग इनकी, फोर के बाद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट. तो सपोज ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा फिफ्थ, हाउ डिड द स्पीकर्स फैमिली हेल्प इन श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी. किस प्रकार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो फैमिली है वो सीताराम कल्याणम जो फेस्टिवल वहाँ पर होता था, एनुअल इवेंट जो होता था, उसमें किस प्रकार से वो हेल्प करते थे. तो ये था आंसर है, द स्पीकर्स फैमिली यूज टू हेल्प इन श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी बाय अरेंजिंग बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स. यानी कि वो बोट्स का अरेंज करते थे, बोट भी वो स्पेशल प्रकार की होती थी, बैम्बू की हेल्प से बनाते थे, और जो मूर्तियाँ होती थी उनको लेकर आने का काम मैरिज पैलेस तक इनका ही था. व्हाट लाइट डज द पैसेज थ्रो ऑन स्पीकर्स फैमिली. इस बात को बताकर स्पीकर्स के परिवार के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है. द पैसेज शो दैट द स्पीकर्स फैमिली इज ट्रूली सेक्युलर फैमिली विच रेस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स ऑल्सो. वो बिल्कुल सेकुलर परिवार था, दूसरे धर्म को भी समान रूप से मानने वाला और दूसरे धर्म का भी सम्मान करने वाला. और इस पैसेज को बताकर केवल यही राइटर ने बताना चाहा. व्हाट टाइप ऑफ द स्टोरीज वर टोल्ड टू द राइटर्स एट बैड टाइम. किस प्रकार की कहानियाँ लेखक को बैड टाइम के समय में बताई जाती थी. तो हमने पढ़ा है पैसेज में कि स्पीकर की जो मदर थी, ग्रैंड मदर थी, वो उनको रामायण से रिलेटेड, दूसरे जो संत महात्मा हुए हैं उनसे, उनके जीवन से संबंधित कहानियाँ सुनाया करती थी. द बैड टाइम स्टोरीज वर रिलेटेड टू इवेंट फ्रॉम द रामायणा एंड द लाइफ ऑफ द प्रोफेट.
फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम द प्लेस वेयर सम इवेंट टेक्स प्लेस, यानी कि किसी स्थान का नाम जहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, साइट, साइट वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट पैसेज है बेटे, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। ये वो पैसेज है जब एक न्यू टीचर्स का एंट्री होती है स्कूल में और न्यू टीचर्स और APJ अब्दुल कलाम को लास्ट वाली रो में बिठा देते हैं, ठीक है, रिफॉर्म दिस यंग टीचर। उसके बाद बच्चों ने अपने पेरेंट्स को जाकर बताया और पेरेंट्स को जाकर बताने के बाद उन्होंने टीचर्स को घर पे बुलाया और बच्चों के सामने उनको समझाया और इस प्रकार से जो टीचर थे उनमें एक बदलाव आया। तो ये पैसेज है, आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्राउट अबाउट ए चेंज इन द टीचर, किस प्रकार से टीचर में चेंज आया, क्या चेंज आया। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन दैट लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड ब्राउट अबाउट ए चेंज इन द टीचर। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डिड द स्पीकर लिव इन। आंसर इज द स्पीकर लिव्ड इन ए सोसाइटी विच वॉज ट्रूली सेक्युलर, सेक्युलर फैमिली थी बिल्कुल। थर्ड, वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ द टीचर, टीचर की रिएक्शन क्या थी उस समय। द स्पीकर लिव्ड इन ए सोसाइटी विद द टीचर रिग्रेटेड हिज बिहेवियर, टीचर्स को काफ़ी पश्चाताप होता है अपने इस बिहेवियर पर। फाइंड द वर्ड और फ्रेज इन द पैसेज विच मीन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीव, जिसका मीन्स है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ या विश्वास, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर कन्विक्शन। तो ये 3 पैसेज हैं बेटे जिनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। नोटबुक में करने के बाद आप इनको पैसेज को डॉट डॉट करके कर लेंगे, स्टार्टिंग का पॉइंट देंगे ड्यूरिंग द एनुअल 3-4 वर्ड्स और फिर लास्ट के डॉट डॉट बीच में करके लास्ट के वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन वन फिर देन आंसर, फिर क्वेश्चन वन देन आंसर, इस तरह आपको करते जाना है। पिक मैं दे रहा हूँ आपको, पिक हो जाएगी आपके पास। थ्री, देर आर 3 पैसेज यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। आफ्टर दैट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन इज Why did APJ Abdul Kalam call his childhood a secure childhood? Dr. APJ Abdul Kalam अपने बचपन को एक secure childhood क्यों कहते हैं? Answer is APJ Abdul Kalam called his childhood a secure one because he had loving and caring parents. क्यों इसलिए secure कहा गया है, क्योंकि उनके parents loving भी थे और caring भी थे। He had all necessary things which included food, clothes and medicine etc. उनके पास सब चीज़ें थी जो आवश्यक चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं, वो सब उनके परिवार में अवेलेबल हुआ करती थी, उनको मिला करती थी, वो चाहे फूड हो, क्लॉथ्स हो और मेडिसिन हो। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड सेकंड वर्ल्ड वार गिव अपॉर्चुनिटी टू कलाम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। सेकंड वर्ल्ड वार ने किस प्रकार से APJ अब्दुल कलाम को चांसेस दिए अपने फर्स्ट इनकम का। आंसर इज कलाम्स कजिन वॉज ए न्यूज एजेंट, ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन वॉज सस्पेंडेड, सो द न्यूज पेपर वर बंडल्स अप एंड थ्रोन आउट फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन। कलाम हेल्प्ड हिज कजिन्स टू कैच द बंडल्स, ही वॉज गिविन मनी फॉर इट। तो आपको जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है कि कजान जो अब्दुल कलाम के जो कजिन थे वो एक न्यूज एजेंट थे और उस समय जो स्टॉप था रामेश्वरम पर ट्रेन का, ट्रेन के माध्यम से न्यूज़पेपर आया करते थे, तो वो सस्पेंड कर दिया था, बंद कर दिया था उस समय, ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकती थी। तो ट्रेन नहीं रुकती थी तो चलती हुई ट्रेन से ही न्यूज़पेपर्स के बंडल्स को फेंका जाता था और इन लोगों को उनको कैच करना होता था, इसलिए अब्दुल कलाम को हेल्प करनी पड़ी अपने कज़िन की और इस कार्य के लिए उनको धन मिलता था उनके कज़िन से। What characteristic did Abdul Kalam inherit from his parents? क्या विशेषताएँ अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से प्राप्त की? अब्दुल कलाम inherited honesty and self-discipline, ईमानदारी और self-discipline from his father, अपने फादर से, and faith in goodness and kindness,
गुडनेस और काइंडनेस पर विश्वास फ्रॉम हिज मदर, ये चीज़ें उन्होंने प्राप्त की अपनी मदर से। लाइक हिज पेरेंट्स इवन ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, और जिस प्रकार से उनके पेरेंट्स सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ये भी सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। वॉट वॉज द नैरेटर्स फैमिली टास्क ड्यूरिंग द एनुअल श्री रामा कल्याणम सेरेमनी, जो एनुअल फंक्शन होता था श्री राम कल्याणम सेरेमनी, उस समय फैमिली का जो टास्क होता था वो क्या होता था? हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को देखा है। तो वो टास्क था द नैरेटर्स फैमिली यूज टू हेल्प इन सेरेमनी बाय अरेंजिंग बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द विलेज टेम्पल टू द मैरिज साइट। एक स्पेशल प्रकार की बोट परिवार के द्वारा बनाई जाती थी और टेम्पल से जो भगवान की मूर्ति हुआ करती थी उनको ये टेम्पल साइट तक ले जाते थे, मैरिज साइट तक, जहाँ पर जो मैरिज साइट है वहाँ तक लेकर जाया करते थे। तो ये उनका टास्क हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड अब्दुल कलाम फैमिली डू ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। तो ये भी लगभग सेम आंसर है इसका भी, अब्दुल कलाम्स फैमिली अरेंज्ड फॉर ए बोट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग द आइडल्स ऑफ लॉर्ड श्री राम श्री सीताराम फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट्स सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ ए पॉन्ड कॉल्ड एज रामा तीर्था। हिज पेरेंट्स इवन टोल्ड हिम स्टोरीज फ्रॉम द रामायण। इसके बाद हाँ, लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज मदर। अब्दुल कलाम ने अपनी माता का वर्णन किस प्रकार से किया है वो हमें बताना है। देखिए, अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज मदर बाय सेइंग दैट शी वाज एन आइडियल वाइफ एंड ए जेंटल लेडी। अब्दुल कलाम ने अपनी माता जी के बारे में बताते हुए कहा है कि वो एक आइडियल आदर्श पत्नी थी और एक सज्जन स्त्री थी। ही लर्न्ड फ्रॉम हिज मदर टू बी जेंटल एंड काइंड। उन्होंने अपनी माता से सभी के प्रति सज्जन और दयालु होना सीखा। सी इवन यूज टू फीड अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स एवरी डे। यहाँ तक कि उन्होंने साथ के साथ ये भी डिस्क्राइब किया है कि वो किस प्रकार से बहुत सारे आउटसाइडर्स को प्रतिदिन भोजन खिलाया करती थी। तो दीज आर सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न दीज आंसर्स। ठीक है, आपके हाफ एंडली अभी थोड़ा पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो आप फिर भी अपना लर्निंग वर्क कंटिन्यू रखेंगे, राइटिंग वर्क करेंगे, उसके बाद लर्निंग प्रोसेस करेंगे। ओके एंड बाय बाय।